अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने गत दिनों करंट से झुलसी बच्ची को मुआवजे दिलाने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन। आपको बता दें, एक पखवाड़े पूर्व सिक्योर कंपनी की लापरवाही के चलते शास्त्री नगर माहेश्वरी भवन के सामने गली में घरों के समीप से गुजर रही हाई टेंशन लाइट के हाई वोल्टेज करंट से पूनम शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा की करंट की चपेट में आने से शरीर का अधिकांश हिस्सा झुलस गया, जो उदयपुर चिकित्सालय में वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। उक्त हादसे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 11 केवी की लाइन से झुलसी बालिका के करंट के कारण वो उदयपुर कोमा में भर्ती है। इससे पूर्व भी एक घटना बक्ता बाबा रोड पे एक नियोग की करंट की कारण मृत्यु हुई, जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों में गहरा डर पैदा हो गया है। बच्ची 12 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर और माननीय जिलाधीश अधिकारी से आग्रह किया है कि सिक्योर कंपनी द्वारा उस क्षेत्र के जगह के अंदर चिन्हित करके केबल को परिवर्तन किया जाए और उस बच्ची के परिवार को इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका उचित तरीके से इलाज किया जा सके। अगर इस क्षेत्र की लाइनों में परिवर्तन नहीं किया गया और इस तरह की घटनाएं अगर पुनरावृत्ति होती है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा जन जागरण अभियान बनाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि उस परिवार की जो परिस्थिति है वो आज देखी नहीं जा सकती। इसी क्षेत्रवासियों के साथ हम सब मिलकर आज ज्ञापन में। जय श्री।